हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है, जिसका जियो है, जिसकी रिलायंस की रिफाइनरीज है, वही कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस कंपनी को खरीदने वाली जो कंपनी है, अब आप सोचेंगे रिलायंस को कौन खरीदेगा यार। अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रिलायंस अपना 25% स्टेक जो है बेचना चाहता है, और ख़ास करके रिफाइनरी सेक्टर में। तो भाई सारे लोग शॉक तो हो गए थे, यहाँ तक कि स्टॉक का प्राइस भी गिरा था। लेकिन ये कंपनी जो है आईपीओ लेके आ रही है, और वो भी 100 बिलियन डॉलर का आईपीओ, बहुत बड़ा आईपीओ, 100 बिलियन डॉलर का। और ये कंपनी कौन सी है भाई रिलायंस को जो खरीदने और इतने बड़े आईपीओ की तैयारी कर रही है, चलिए जानते हैं। छोटे से वीडियो में स्टार्ट करता हूँ मैं रिलायंस से। रिलायंस का अगर आप शेयर देखें तो बहुत बड़ा, मतलब कि इंडिया में टॉप के दो शेयर आते हैं उनमें से एक है, एक तो टीसीएस आता है, एक रिलायंस। 8 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलेशन, 1280 का प्राइस है, बुक वैल्यू 610 का है, पी रेशियो 20। हर 20 रुपये पे 1 रुपये कमाता है। कंपनी के ऊपर डेट भी अच्छा खासा है, 2,71,000 करोड़ का डेट भी है। अर्निंग पर शेयर देखिए 66 के आसपास है, और इंट्रिंसिक वैल्यू 16 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, सेल्स ग्रोथ बहुत कम है यहाँ पे देखिए, प्रमोटर होल्डिंग 40%। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, और वहां पे कौन सी ऐसी कंपनी है, तो ये देखिए रिलायंस का जब हमने बात करी थी, यहाँ पे रिलायंस की जो डील थी, शेयर बिल्कुल डाउन हो गया था। रिलायंस ये सऊदी, ये देखिए 25% स्टेक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का सऊदी अरेमको खरीदना चाहता था। अगर आप बात करें सऊदी अरेमको, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग बिजनेस की, और यहाँ पे रिलायंस का भी ये पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग बिजनेस खरीदना चाहता था। और यहाँ पे अराउंड 10 बिलियन से 15 बिलियन डॉलर तक का अमाउंट इसका रखा गया था, भाई इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है, इतना खरीद सकता है, चलिए देखिए आप। लेकिन अभी की जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो है 100 बिलियन डॉलर का आईपीओ ला सकता है यहाँ पे सऊदी अरेमको, और इस पैसे से पैसा यहाँ से उठ जाएगा, तो क्या पता रिलायंस का जो खरीदारी करने वाला है उसको भी खरीद सकता है। और सऊदी अरेमको वन ऑफ द टॉप कंपनी, मतलब कि रिफाइनिंग सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है ये सऊदी अरेमको। चलिए ये तो आपने देख लिया, आईपीओ की भी स्टार्टिंग हो रही है, तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन सलमान, अभी इंडिया भी आए थे कुछ टाइम पहले, तो उनका ये उनकी कंपनी है ही मान के चलिए। अब हम देखते हैं रिलायंस के टेक्निकल डिटेल्स। अगर आप टेक्निकली देखें तो रिलायंस का शेयर बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और अभी थोड़ा सा एंट्री के बिल्कुल एंट्री के पास आया है, 1416 से गिरता हुआ ये चला गया था, 1200-1250 के लेवल पे आ चुका था, और बिल्कुल ये मान के चलिए कि 100-125 रुपये नीचे है अपने हाई लेवल से। लास्ट टाइम पे जब इसमें करेक्शन आया था ये तो 1330 के लेवल से गिर के 1030 के लेवल पर आया था, मतलब 300 रुपये का करेक्शन आया था लास्ट टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे भी यहाँ पे करेक्शन तो जरूर आया था, एक बार देखिए 1400 के लेवल से गिर के ये 1220 तक आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम था और फिर से ये करेक्शन आया। लेकिन जो ट्रेंड लाइन दिखा रही है यहाँ पे, थोड़ा और नीचे आए, 1220 के लेवल पे आए, तो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन मिल सकता है इसको यहाँ पे। तो अभी देखते हैं किस तरीके से इसका यहाँ पे मूवमेंट होता है। फिलहाल ये जो वीडियो था आपको, ये लेटेस्ट सऊदी अरेबिया का 100 बिलियन डॉलर का आईपीओ आने वाला है, और साथ में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने की तैयारी कर रहा है 25% स्टेक, ऐसा माना जा रहा था अभी बीच में खबर बिल्कुल निकली थी ये। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज, बोनस, डिविडेंड, सारी चीजें आपके लिए लेके आता रहता हूँ चैनल पर। अब तक सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आपकी अपनी राय इस डील के बारे में और इस आईपीओ के बारे में जरूर बताएं कमेंट के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।